वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ये ऑल्सो बंद है क्लोज्ड है, तो डायवर्टिकुलम भी है, डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं, ट्यूबुलर डायवर्टिकुलम, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ये जो अपेंडिक्स कहाँ पे है ये, जैसे सपोज ये मेरी सिक्कम है, दिस इज ए सिक्कम, तो सिक्कम की पोस्टीरियर वॉल पे कहाँ पर होगी, पोस्टीरियर, ये सिक्कम है, सिक्कम का ये लेटरल है व्यू, लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो ये मीडियल साइड कहाँ पर है, मीडियल साइड इस जगह पे, और पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर मीडियल वॉल पर है, कहाँ पर है, इट अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियल वॉल, पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सिक्कम, और दिस इज ए इलियोसिकल जंक्शन, क्लियर, तो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इलियोसिकल, बिलो टू इलियोसिकल जंक्शन, क्लियर, एंड सस्पेंडेड इलियोसिकल जंक्शन 2 सेंटीमीटर बिलो टू इलियोसिकल जंक्शन, क्लियर, ट्यूबुलर डायवर्टिकुलम वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सिक्कम एंड बिलो टू 2 सेंटीमीटर इलियोसिकल जंक्शन, इट सस्पेंडेड बाय द, किससे पूरा कवर्ड होगी, पेरिटोनियम वॉल, दिस पेरिटोनियम वॉल इज नोन एज द मीजो अपेंडिक्स, दिस इज ए मीजो अपेंडिक्स, इसका जो एंटीरियर है वो कहाँ पे लगा होगा, इलियोसिकल के इस तरह से मेजेंट्री से, क्लियर, दिस इज ए मीजो अपेंडिक्स सस्पेंडेड बाय पेरिटोनियल फोल्ड नोन एज मीजो अपेंडिक्स, फ्री फोल्ड ऑफ मीजो अपेंडिक्स जॉइंट बाय द मेजेंट्री ऑन द इलियोसिकल जंक्शन, क्लियर, सेकेंड पॉइंट इज इसकी लेंथ डायमीटर कितना है, और लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 2 to 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 mm, सो स्मॉल, क्लियर, 5 mm इन डायमीटर एंड लेंथ इज 2 to 20 सेंटीमीटर, मोस्टली 9 सेंटीमीटर होता है, और 9 सेंटीमीटर जो होता है 20, कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है, और किसी किसी में ज़्यादा होता है, जैसे कि मैमल्स में कम, मैमल सॉरी ह्यूमन बॉडी में कम है, बट इन द 4 tetrapoda जितने हैं, इन द सेंस ऑफ काओ बॉयल, उन सब में सेलुलोज का इसमें वो होगा डाइजेशन, दैट्स वाई अपेंडिक्स बड़ी होती है, तो लेकिन ह्यूमन बॉडी में 2 to 20 सेंटीमीटर होती है, सपोज एक्यूट इन्फेक्शन में लेंथ नहीं बढ़ेगी, क्रॉनिक और सीवियर इन्फेक्शन होगा तो ये लेंथ बढ़ जाती है, तो कई बार जब ऑपरेशन करते हैं और जब देखते हैं तो किसी पेशेंट में 20 तक मिलती है, ये नॉर्मल भी कई बार अपेंडिक्स 20 तक मिलती है, इसलिए लेंथ इज 2 to वेरिएबल करती है 2 to 20 सेंटीमीटर। नाउ ऑन द टॉपोग्राफी, टॉपोग्राफी इन द इसकी लोकेशन, तो लोकेशन एब्डोमेन लोकेशन everyone is knows, abdomen have the 9 parts, 2 is the midclavicular line, this is a transtubercular line, or this transpyloric line, this is inguinal ligament, so this is in this point inguinal ligament, in this point cross in between the transtubercular and the midclavicular lines at 2 cm below appendix hogi, yahan pe kya hai appendix 2 cm below, clear, location topography kya ho gayi fir iski, clear hai, 2 cm below topography, ha base kahan topography iski kya hui fir, सेंटीमीटर बिलो इन दिस एरिया, ना इसके बाद हम लेंगे अब पार्ट, ये माउस चल नहीं रहा,
पार्ट पार्ट कौन सी है? ये है मेरी या जॉइंट, नहीं नॉट ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन, एक पॉइंट इन दैट पॉइंट जो, ये पॉइंट जो है जिस पे दोनों लाइन मिलती है, मिड क्लेविकुलर लाइन और ट्रांसपाइरोक्लोरिक लाइन, ट्रांसट्यूबरकुलर और मिड क्लेविकुलर जहाँ मिलेगी उससे 2 सेंटीमीटर बिलो, इट्स ए अपेंडिक्स। क्लियर? पार्ट अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स सीकम पर लगा हुआ है, क्लियर है? तो ये क्या होगा? नॉर्मल है, बेस होगा, बेस। ये क्या है? बॉडी है, और ये क्या है? टिप है। आर्टेरियल सप्लाई यहाँ से हो रही है, तो आर्टेरियल सप्लाई टिप पर क्या होगी? कम होगी, स्कैंटी होगी, ठीक है, कम सप्लाई होगी, इस रीजन से गैंग्रीन वगैरह बन जाता है। ये बाद में जब पैथोलॉजी में पढ़ोगे तो गैंग्रीन कैसे बनता है, जब वैस्कुलर सप्लाई कम होती है वो पार्ट गैंग्रीन में कई बार चला जाता है, इसलिए ये अपेंडिक्स ज़्यादा प्रॉब्लम और इन्फेक्शन लेती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ बेस बॉडी एंड टिप, क्लियर? अब बेस पे क्या होगा? बेस यहाँ पे टीनिया है, टीनिया क्या था? लिब्रा था, टीनिया लिब्रा ओमेंटालिस एंड टीनिया मिजोकोलिक, तो टीनिया लिब्रा था ऊपर, टीनिया लिब्रा के जस्ट नीचे बेस है यहाँ पे, तो इस एरिया, इन दैट एरिया हैव द बाल्ब, इस बाल्ब इज नोन एज द गर्लैक, गर्लैक। तो बॉडी बॉडी कैसी है? गर्लैक, बॉल्ब ऑफ गर्लैक, दिस इज ए अपेंडिकुलर ऑरिफिस, अपेंडिकुलर ऑरिफिस कवर्ड बाय द सेमी सर्कुलर बॉल्ब, दिस नोन एज द गर्लैक, क्लियर? पार्ट बेस बॉडी एंड टिप, क्लियर है? बेस बॉडी एंड टिप, बेस है ऑन द बेस, टीनिया कोलाई के, टीनिया कोलाई के जस्ट नीचे है, इस पर एक अपेंडिकुलर ऑरिफिस, दिस इज अपेंडिकुलर ऑरिफिस, इन दैट कवर्ड बाय द सेमी सर्कुलर म्यूकस लेयर, दिस नोन एज द गर्लैक बाल्ब, गर्लैक बाल्ब, ये मैं आपको सीकम में पढ़ा चुकी हूँ, जी ई आर एल ए सी एच, गर्लैक बाल्ब, क्लियर? सेमी सर्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन, सेमी ल्यूनार या सेमी ल्यूनार शेप का होता है, सेमी ल्यूनार फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन नोन एज गर्लैक, क्लियर? टॉपोग्राफी हो गई, बॉडी पार्ट हो गए, अपेंडिक्स का, हेलो, ओके, मैकबर्ने पॉइंट, नाउ टेक ऑन द मैकबर्ने पॉइंट, मैकबर्ने पॉइंट, देखो मैकबर्ने पॉइंट, दिस इज ए अम्बिलिकस, दिस इज ए एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और अम्बिलिकस से एक लाइन की हुई है, तो मीडियल टू टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड, लेटरल वन थर्ड और मीडियल टू थर्ड के बीच के पॉइंट को हम कहते हैं मैकबर्ने पॉइंट, तो रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड, ए लाइन जॉइनिंग अम्बिलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस इज ए मैकबर्ने पॉइंट, क्लियर? क्लियर है मैकबर्ने पॉइंट? नाउ हिस्टोलॉजी, हाँ बोलो, हाँ बेटे बोलो, क्या बोला? मैकबर्ने पॉइंट का सिग्निफिकेंट अभी आगे पढ़ाऊंगी, इसमें पैथल अप्लाइड में, अप्लाइड में आएगा, ये भी एनाटॉमिकल है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये नेवल है, तो नेवल और अम्बिलिकल के बीच में ये लाइन खींची है, इसका टू थर्ड लेते हैं मीडियल का, इधर का वन थर्ड, दे पॉइंट, दिस इज ए मैकबर्ने पॉइंट, दिस इज ए मोर टेंडर एरिया ड्यूरिंग द लिम्फेडिन, ड्यूरिंग द अपेंडिसाइटिस, जब भी अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है, हम पेशेंट को मैकबर्ने पॉइंट ही देते हैं, टेंडर है या नहीं है, टेंडर है जनरल कन्फर्मेटरी साइन होता है, इट इज ए अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ये लेकिन अपनी अप्लाइड में बाद में पढ़ाऊंगी, दिस इज ए मैकबर्ने पॉइंट, क्लियर? नाउ हम लेते हैं अब इसका इंटीरियर, जब भी किसी पार्ट को लिखेंगे, किसी बॉडी को हमें आगे सीकम डिस्क्राइब करना है, तो हमें आपको बता चुके, इसी तरह आपको अपेंडिक्स डिस्क्राइब करना है, तो पहले डेफिनेशन, फिर टॉपोग्राफी, फिर उसके पार्ट, फिर उसकी हिस्टोलॉजी, इंटीरियर और क्या है उसकी इंटीरियर हिस्टोलॉजी, इससे अब जब फोर मेम्ब्रेन सेम लाइक दैट, क्या है?
एल एम, मैंने क्या बताया था आपको, सुपरमैन। क्लियर है? ठीक है। ई फॉर एपिथेलियल था, एल फॉर लैमिना प्रोप्रिया, एम फॉर म्यूकोसा, एस फॉर सब म्यूकोसा मसल मेम्ब्रेन एडवेंटेंसिया। क्लियर है सबको? तो ये तो सीरस मेम्ब्रेन है, ऊपर की एपिथेलियल इनर वाली होगी। ये देखो, इसमें क्लियर दिखा देती हूँ, हिस्टोलॉजी एक बार दिखा दीजिए इसमें। ये देखो, ये एडवेंटेंसिया है, मस्कुलर लेयर है, सर्कुलर मस्कुलर लेयर पूरी है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर इसमें टूटी हुई है हल्की सी। ये देखो सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा में क्या पड़े हैं, दिस इज द लिम्फेटिक पैचेस, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। तो ये लिम्फेटिक नोड्यूल अपेंडिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी रीजन से इसका नाम अपेंडिकुलर एब्डोमिनल टॉन्सिल भी कहते हैं। अपेंडिक्स का सेकेंड नेम इज एब्डोमिन टॉन्सिल, बिकॉज इसमें लिम्फेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें लिम्फेटिक की मतलब अपने आप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सप्लाई है अपेंडिक्स के अंदर, ऑलरेडी खुद ही सबसे ज़्यादा है। तो द सेमिकस कोट कंटेन लूज एरियोरल टिश्यू, न्यूमरस लिम्फेटिक फॉलिकल्स, हेंस अपेंडिक्स इज कंसिडर्ड एज ए एब्डोमिनल टॉन्सिल। क्लियर है? एब्डोमिनल टॉन्सिल क्लियर। एडवेंटेंसिया स्टार्टिंग वाला म्यूकोसल लेयर भाई सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल, सब म्यूकस में लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद आपकी आ जाएगी क्या है, म्यूकोसा एंड एपिथेलियल, इनर एपिथेलियल हैव द माइल्ड क्रप्ट ओनली, माइल्ड क्रप्ट, देखो बहुत माइल्ड क्रप्ट है, अदरवाइज नहीं है। सीलिया है नहीं इसके अंदर, और इसके अंदर मेन क्या नहीं है, दिस इज ए मेन क्या है, लिम्फेटिक फिल्ट्रेशन ही है सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट साइन है। क्लियर है? इसमें क्या नहीं है, देखो टीनिया फुलाई नहीं है, दिस इज अ टीनिया, टीनिया इसके अंदर अवॉइड है। अपेंडिसाइटिस एपिपुलाई की याद है आप लोग को, लार्ज इंटेस्टाइन का फंगस था, तीनों क्या क्या थे लार्ज इंटेस्टाइन में, टीनिया कोलाई, सेक्युलेशन एंड अपेंडिसी एपिप्लॉई की, ये तीनों नहीं है, डिवॉइड ऑफ टीनिया कोलाई, सेक्युलेशन एंड अपेंडिसी एपिप्लॉई की। क्लियर है? इसमें कोई भी विलाई भी नहीं है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में थे तो कोई विलाई नहीं है, हम किस पर, मेन टाइप ऑफ सिचुएशन अपेंडिक्स, इसमें कई मुंहों में मिलती है अपेंडिक्स, कैसे कैसे मिल सकती है, जैसे कि ये सिकम है, अभी अपेंडिक्स है, वीडियो नहीं आ रही, पूछो सबसे आ रही है वीडियो, आ रही है सबके पास वीडियो, क्यों रुक रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है यार, तुम लोग के इंटरनेट बंद, रुक रुक के आ रही है, तुम लोग की आवाज भी मुझे रुक रुक के आ रही है यार, अब इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्वालिटी बेटा तुम लोग बैबैक्स कर लो, बैबैक्स में सबसे बढ़िया वीडियो आएगी, मेहनत भी सफल हो जाएगी हम लोग की और आप लोग की भी। बैबैक्स केवल आपको डाउनलोड करनी है, कोई बड़ा काम नहीं है ना, तो बेटे आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। कर लिया, किस किस ने कर लिया, सबने कर लिया, तो मैं बैबैक्स पे कल से क्लास लूंगी, कल मेरी फिर एक क्लास है तो मैं बैबैक्स कर लूंगी। क्लियर है? ठीक है बेटे, मैं बैबैक्स पे लूंगी। अब ये देखो अपेंडिक्स का सिक्स टाइप होता है, क्लॉक अकॉर्डिंग टू घड़ी के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है, सिक्स टाइप से इसकी पोजीशन हो सकती है। पोजीशन इसकी कैसे, अपेंडिक्स मेरी माला, इसमें तो एक ही अपेंडिक्स होगी, हर एक के पास एक ही अपेंडिक्स होगी, बट उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है, घड़ी के अकॉर्डिंग, जैसे वॉच है ना, तो वॉच के अकॉर्डिंग ही बदलती है। भैया देखो 12 पोजीशन पे, ये 12 पोजीशन पे, 12 क्लॉक पे, क्लियर है बेटे? ये देखो 11 पोजीशन पे, इसे 11 पे बनाना था मुझे, सॉरी ये 11 पर है, 11 ओ क्लॉक, क्लियर है? ऐसे ये 6 ओ क्लॉक पर है, ये देखो किस पे है, 2, ए 3 और ए 4। तो किस किस पोजीशन पे आपको मिल गई अपेंडिक्स, 12 ओ क्लॉक पोजीशन, 11 ओ क्लॉक पोजीशन, 6 ओ क्लॉक पोजीशन, 3, 4, 5। इसे नाम याद करने का तरीका है, इसमें 6 पोजीशन है और सबके नाम अलग अलग हैं,
नाम याद करने का तरीका है। पारस है तुम्हारे क्लास में कोई? पारस क्लास ज्वाइन कर रहा है। पारस पर पीस, सबको एक एक पीस पारस का मिल जाए तो क्या होगा? पर पीस, पारस पर पीस, पी फॉर पारस, पी ए आर एस पर पी एस, क्लियर है? तो पी ए फॉर पैराकोलिक, पैराकोलिक, आर फॉर रेट्रोसीकल या रेट्रोकोलिक या रेट्रोसीकल, एस फॉर स्प्लीनिक, पी आर फॉर, ये पैरा है, पी ए तो पी ए आ गया, पी आर है तो प्रो मॉन टेरिक, और पी ई फॉर पैल्विक, एस फॉर सबसीकल। समझ आ रहा है? कितने टाइप है? छह है, पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक, स्प्लीनिक, प्रोमोंटरिक, पैल्विक और सबसीकल। पैराकोलिक इसे 11 पोजीशन याद करो, पहले 11 11 12 और दूसरी वाली तीसरी वाली किस पर है? 2 पर है, 2 o'clock। दिस किस पे है? 3 o'clock पर, 3 के बाद 2, 3, 4 और 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? 11, 12, 2, 3, 4, 6 नाम याद हो गए। पारस पर पीस, पारस फॉर पैराकोलिक, आर फॉर रेट्रोसीकल, एस फॉर सबसीकल, 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 पैराकोलिक, रेट्रोसीकल, स्प्लीनिक, प्रोमोंट्रिक, पी फॉर पैल्विक, एस फॉर सबसीकल। क्लियर है बच्चे? अब 11 पर है, कॉमन इसमें क्या है? सबसे ज्यादा 3 और 6, ये 3 और 6 वाली है, ये क्या है? 3 और 6 वाली जो है वो क्या है? रेयर मिलेगी। वीडियो ऑडियो बंद करो अपना, ये रेयर मिलती है, 3 और 6 वाली रेयर मिलती है, 12 वाली कॉमन है, 65% पेशेंट को 12 वाली मिलती है। क्लियर है? अब उसके बाद मिलती है पैराकोलिक, कितने परसेंट को मिलती है? 2 या 3% को मिलती है, ऐसे ही 2-3% को। उसके बाद आती है आपकी स्प्लीनिक, स्प्लीनिक डिवाइडेड इनटू 2, स्प्लीनिक 2 पर है ना, तो ये 2 पर है, देखो स्प्लीनिक 2 पर है, एक तो इलियोसीकल इलियोकोलिक जंक्शन के ऊपर निकल गई, एक इलियम के नीचे निकल गई, तो प्री इलियक और ये हो गई पोस्ट इलियक। क्लियर है बेटा? प्री इलियक एंड पोस्ट इलियक, स्प्लीनिक डिवाइड इनटू प्री कोलिक एंड पोस्ट कोलिक। पोस्ट कोलिक माने 1-1.5% ही मिलेगी और ये मिलेगी 0.5% अराउंड। इस तरह से क्या हुआ, कितने कितने परसेंट, कितने कितने जनरली पेशेंट में मिल सकती है, ये चार्ट पूरा याद हो जाएगा। स्प्लीनिक दो पार्ट, प्री कोलिक और पोस्ट कोलिक, जैसे इलियोकोलिक है ना, इलियोकोलिक के ऊपर से निकल गई तो प्री कोलिक हो गई और नीचे से निकल गई तो पोस्ट कोलिक हो गई, पोस्ट इलियक, पोस्ट इलियक या कोलिक बोल देते हैं, पोस्ट कोलिक। स्प्लीनिक को प्री इलियक, प्री इलियक या पोस्ट इलियक 1.5 बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी है, मिलती है रेयर में, केवल प्री इलियक लिखो आप, इलियक और पोस्ट इलियक, ठीक है बेटा, इलियम के ऊपर से इलियम के नीचे से। क्लियर है? तो पारस पर पीस याद हो जाएगा घड़ी के अकॉर्डिंग, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, ये 2 पे मिल गई, ये 3 पे मिल गई, ये 4 पे मिल गई, ये 6 पे मिल गई, ये 11 पे और 12 पे। क्लियर है? नाम सबके पता हो गए, रेयर रेयर, ये रेयर मिलती है, रेयर मिलती है, 3 और 6 वाली रेयर मिलती है। तो 11 वाली कौन सी हो गई? ये पैराकोलिक है, पैराकोलिक हो गई। 12 वाली कौन सी हो गई जो कॉमन है? ये क्या? रेट्रोसीकल है, रेट्रोसीकल। इसका मतलब ये ये मालूम पड़ा मेरा, ये है सीलियम, तो सीलियम के नीचे चिपकी हुई ऐसे पड़ी है अपेंडिक्स, पोस्टीरियर है और रेट्रोसीकल है। क्लियर है बेटे? तो ये अपेंडिक्स है, ये 12 पे पड़ी है, 10 मिनट में खत्म करना, ठीक है, ये 12 पे पड़ी है, ठीक है बेटे। तो ये है पैरा रेट्रोकोलिक, तो रेट्रोकोलिक हो गई, पैराकोलिक हो गई,
उसके बाद ये दो पे कौन सी है, स्प्लीनिक हो गई, ये तो स्प्लीनिक, और स्प्लीनिक के टू पार्ट है प्री एंड पोस्ट, और ये कौन सी हो गई पेल्विक, थ्री वाली। अब लोग आ रहे हैं, थ्री वाली रियर है, प्रोमोन्ट्रिक, सॉरी प्रोमोन्ट्रिक ये हॉरिजॉन्टल है, प्रोमोन्ट्रिक, और स्प्लीनिक स्प्लीन की साइड में जा रही है इसका नाम, इसलिए स्प्लीनिक पड़ा। ये रेट्रो, इसके नीचे से निकल गई इसलिए रेट्रो हो गई। और एक सिक्स वाली कहाँ पे है, सब सीकल, सीकल के नीचे है सब सीकल, इसलिए सब सीकल हो गई, ठीक है। इसी को इंग्वाइनल भी बोलते हैं, इंग्वाइनल साइड में तो सब इंग्वाइनल भी बोल देते हैं और सब सीकल भी बोलते हैं, ठीक है। और फोर वाली ये कौन सी है, पेल्विक, ये पेल्विक ऑर्गन, हाँ ये पेल्विक साइड में, क्योंकि ओवरी और यूट्रस के साइड में जा रही है तो पेल्विक साइड में, क्लियर है बेटे। नाउ हम लेते हैं अब फोर वाली, बेटा मिलेगी आपको ये मिलती है 30%, 30% फोर वाली, 30% इधर 30%, हाँ 30%, ठीक है बेटे। अब हम आ जा, हाँ बेटा वो बहुत कम मिलती है, 0.5 और 1.5, 0.5 एंड 1.5, ये 40 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए फिनिश करना यार इसे। तो ये देखो ऐसे सीकल पूरी ऐसे करके मिलेगी, फिक्स रेट्रो सीकल, रेट्रो सीकल ऐसे अपेंडिक्स से पूरी चुपकी हुई है, देखो चुपकी हुई है, जब भी ऑपरेट करेंगे तो नीचे ये मिली है चुपकी हुई, ये रही, दिस इज ए अपेंडिक्स, रेट्रो सीकल अपेंडिक्स, क्लियर है। अब इसकी पोजीशन अलग अलग भी हो सकती है, ये एक्टोपिक, एक्टोपिक मतलब होता है कोई भी चीज अपने प्लेस से दूसरी जगह पे हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है अपेंडिक्स यहाँ की जगह बॉडी के अलग पार्ट में, अम्लाइका लेफ्ट में, लेफ्ट इलियक फोसा में पड़ी हुई है, सब ये सारे एबनॉर्मल, जैसे किसी ने उस दिन क्वेश्चंस किया था इसलिए मैं बता दी, ये एक्टोपिक भी हो सकती है, क्लियर है। अब हम इसकी आते हैं आर्टेरियल सप्लाई, तो आर्टेरियल सप्लाई में आप लोग को इसकी बता चुकी थी उस दिन, याद है किसी को क्या बताया था, एंटीरियर पोस्टीरियर डिसेंडिंग, याद है क्या थी, सुपीरियर मेजेंट्रिक, हाँ सुपीरियर मेजेंट्रिक की ब्रांच थी, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक की कितनी ब्रांच थी, तीन ब्रांच थी, राइट मिडिल राइट एमआरआई, याद है। तो इलियोसीकल हो गई, इलियोसीकल की असेंडिंग और डिसेंडिंग, और ये डिसेंडिंग ब्रांच की एंटीरियर पोस्टीरियर, और थर्ड थी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई द अपेंडिक्स, क्लियर है। ये रेड मार्कर चल नहीं रहा बेटे इसलिए ब्लू से बना रही हूँ, अपेंडिकुलर आर्टरी, और अपेंडिकुलर आर्टरी सेम इसी के पैरेलल चलेगी वेन्स, तो वेन भी इसको कहाँ देंगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में जाएगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में, और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन कहाँ जाएगी आपकी, मेन पोर्टल वेन में, क्लियर है, ड्रेनेज हो गया। अब इसकी लिम्फेटिक, किसने लिम्फेटिक भी पूछा था उस दिन भी पूछा सीकल के लिए, तो बेटा मैं लिम्फेटिक आपको बता चुकी हूँ, सीकम में एक तो एपिप्लॉइक है, एपिप्लॉइक की अपेंडिक्स एपिप्लॉइक की है लिम्फ नोड, उसके बाद मार्जिनल पर थे पैराकोलिक लिम्फ नोड थे, याद है पैराकोलिक इंटरमीडिएट, और उसके बाद आएंगे आपके क्या आए थे, सेंट्रल सुपीरियर मेजेंट्रिक वाले आ जाएंगे, क्लियर है, तीन थे आपके ये लिम्फ नोड। तो ये पैराकोलिक को, वैसे तो इसमें ऑलरेडी लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पैराकोलिक, वीडियो भी नहीं आ रही है, वॉइस भी नहीं आ रही है, मैं यार यूट्यूब पर डाल दूंगी इसे, तो देखो पैराकोलिक लिम्फेटिक सप्लाई इसकी क्या जाएगी, पैराकोलिक, पैराकोलिक और इलियोसिकल, जो भी जो वेन जाती है उसके नाम पर ही कोलिक का नाम आ जाता है लिम्फेटिक का, तो लिलियोकोलिक, इलियोकोलिक लिम्फ नोड, ये देखो ये अपेंडिक्स है, सीकम है, ये अपेंडिक्स है, क्लियर है, इलियोकोलिक जंक्शन है, ये आपकी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की टर्मिनल जा रही है, सॉरी ये जा रही है आपकी इलियोकोलिक, इलियोकोलिक असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग की एंटीरियर पोस्टीरियर और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में बेटा ये आपको अपेंडिकुलर आर्टरी, और ये पैराकोलिक और लिम्फेटिक इंटरमीडिएट लिम्फ नोड और टर्मिनल लिम्फ नोड, दिस इज ए ऑल लिम्फेटिक सप्लाई। अब आ जाएंगे हम वेन, वीनस सप्लाई, वीनस करेस्पॉन्डिंग टू आर्टरी के अकॉर्डिंग होगा, ये देखो यहाँ से
सारी अपेंडिकुलर वेन, अपेंडिकुलर वेन से जाएगी सुपीरियर मेजेंट्रिक में, सुपीरियर मेजेंट्रिक, और ये सारा मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगी बिग वेसल्स में, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पोर्टर वेन पर जा रहा है, क्लियर है। अब नर्व सप्लाई, तो नर्व इसकी कौन कौन सी है, मैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक बता चुकी हूँ। सिंपैथेटिक में आपकी आएगी कौन सी, T9 to T10, ठीक है। नर्व में सिंपैथेटिक में मैं बता चुकी, पैरासिंपैथेटिक में कौन सी जाएगी, सेम है लार्ज इंटेस्टाइन वाली, वही वेगस, क्लियर है। अब T1 और T10 पे है, तो T10 एरिया कहाँ का है, अम्लाइकल का, इसीलिए इसका पेन रेफरल पेन कहा जाता है, अम्लाइकस पे जाता है। तो स्टार्टिंग में जब अपेंडिक्स होती है पेशेंट को, तो पेशेंट को जो अपेंडिक्स का पेन होता है वो अम्लाइकल पे होता है, और जब अम्लाइकल के पेन बढ़ जाता है, जब केस बढ़ता है, जब यह इन्फेक्शन ज्यादा होने लगता है, तो ये एरिया टेंडर होने लगता है, क्योंकि हमारे दो पैरिटोनियम है, पैराइटल और विसरल। विसरल तो अफेक्ट होता नहीं है, पेन पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पैराइटल इससे अफेक्टेड होगा तो हमको यहाँ पर टेंडरनेस आने, टेंडरनेस इज ऑन द प्रेशर यू हैव द पेन, दैट इज ए टेंडरनेस, राइट। अब टेंडरनेस मैक्सिमम एरिया कहाँ पे होगी, मैक बर्ने पॉइंट पर, क्लियर है। मैक बर्ने, MAC मैक बर्ने, BURNE मैक बर्ने पॉइंट, ये बहुत है जिंदगी भर काम आएगा मैक बर्ने पॉइंट, क्लियर है। अपेंडिसाइटिस का एक कॉमन फीचर होता है पैथोलॉजी में, वैसे आपके लिए नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहो याद कर सकते हो, मर्फी सिंड्रोम। व्हाट इज द मर्फी सिंड्रोम, अपेंडिक्स में पेशेंट को तीन प्रॉब्लम आती है, पेन, वोमिटिंग और फीवर। जब ये तीनों साइन होते हैं, जी मर्फी साइन, मर्फी रेडियो सुना था, ये मर्फी साइन, इसलिए इसका नाम पड़ा मर्फी सिंड्रोम। पेन, वोमिटिंग और फीवर, पेन, वोमिटिंग और फीवर तीनों सिम्टम्स होते हैं। एक टेंडर कहाँ पे होगा, मैक बर्ने पॉइंट पे, गार्डिंग साइन है, क्लियर है। अब सपोज अपेंडिक्स, मैंने जैसे बताया था पेल्पिक वाले एरिया पे थी, नीचे की तरफ थी, तो इनका पेन ग्रोइन एरिया में भी जाता है, तो कई बार पैर को उठाने और पैर को जब फोल्ड करता है पेशेंट, तो हैव द पेन ऑल्सो, राइट। अपेंडिक्स होती क्यों ज्यादा पेशेंट को, क्योंकि इसमें लिम्फेटिक फॉलिकल है, इसलिए ज्यादा होती है। इसकी अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो टिप पे कम है, ये वैस्कुलर है, इसके एंटी ब्लड सप्लाई है, इसलिए ज्यादा होती है। और कई बार सीकम से ल्यूमन में फ्लूड चला जाता है और फ्लूड सड़ता है फिर अंदर, इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, क्लियर है। अपेंडिसाइटिस होने के कारण क्या क्या है, उसके बाद आप आ जाइए बेटे, फूड होते, तो ल्यूमन है तो ल्यूमन में फूड चला जाएगा, तो फॉरेन बॉडी है, फूड कहीं भी बॉडी में कोई चीज़ जब रनिंग में नहीं है, बहता हुआ पानी तो अच्छा, रुका हुआ पानी परेशान करता है, इसलिए रुका हुआ यदि पानी यहाँ पर, तो इसका फॉरेन बॉडी के काम करता है, तो बॉडी में यदि फूड यहाँ पर चला गया रिजर्जिटेट होके और ये फूड सड़ता रहेगा, तो यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करेगा। यहाँ वैस्कुलर सप्लाई कम है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करेगा। लिम्फेटिक वॉल्यूम ज्यादा, फॉलिकल ज्यादा, इसलिए इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तीन कॉज होते हैं, क्लियर। हमारी अपेंडिक्स खत्म। नाउ आई विल टेक असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन में कुछ भी नहीं है, पोजिशन में आपको असेंडिंग कोलन की बता चुकी हूँ, क्लियर है सब लोग को। कहाँ से स्टार्ट होती है, सीकम से स्टार्ट होती है, हाँ बेटे मैं भी देख रही हूँ, तो इसलिए दो छोटी सी है ये, तो असेंडिंग कोलन सबको पता है सीकम से स्टार्ट होगा, यहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा, ये होगा आपका राइट, यहाँ पर होगा राइट फ्लेक्सर तक, राइट कोलिक फ्लेक्सर तक, क्लियर है। तो राइट कोलिक फ्लेक्सर तक स्टार्ट होगा। इसकी लेंथ कितनी है, 5 इंच की है, मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीजें। ये पूरी पेरिटोनियम से साइड में कवर है, ऊपर से पूरा कवर है, बट नीचे कवर नहीं है। नीचे का है पैराकोलिक गटर के ऊपर बैठा हुआ, टेट्रोकोलिक है ना, याद आ गया। उसके बाद ट्रांसवर, उसके बाद असेंडिंग कोलन खत्म, इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन चारों तरफ से कवर्ड है, वो है इसमें पेरिटोनियम, ये बिल्कुल इंट्रा पेरिटोनियल है ट्रांसवर्स कोलन, याद है। इसकी लेंथ कितनी है, ये कम से कम 20 इंच का है, 20 इंच मतलब 50 सेंटीमीटर, ढाई होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 50 सेंटीमीटर होती है, क्लियर है। उसके बाद हम आ गए डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन कितनी होती है, ये कहाँ पर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से स्टार्ट होती है, खत्म होगी। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से कहाँ तक जाएगी, पेल्विक,